हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पर। आज फिजिक्स के पार्ट नंबर 13 लेकर आ गए हैं। पार्ट नंबर 12 में बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और कमेंट आया कि पार्ट 13 को जल्दी लाया जाए, कंटिन्यू रखा जाए फिजिक्स क्लास को। तो आज लेकर आ गए हैं फिजिक्स क्लास PYQ MCQ पार्ट नंबर 13। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, नीट 2023 का प्रश्न है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला परिणामी चुंबकीय फ्लक्स है क्या है, बतलाइए। बंद पृष्ठ से गुजरने वाली परिणामी चुंबकीय फ्लक्स ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक या फिर अनंत होता है, क्या हो जाएगा इसका, बतलाइए आप लोग जल्दी से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, शून्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न ये भी नीट 2023 का प्रश्न है। निम्नलिखित परिपथ में प्रदर्शित निकाय की तुल्य धारिता है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 3 माइक्रोफेरेड, यहाँ पे 3 माइक्रोफेरेड और यहाँ भी 3 माइक्रोफेरेड। ये देखिए ये समांतर क्रम में है और ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे C1 सी तुल्य होता है, समांतर क्रम में है तो सी तुल्य बराबर होता है C1 + C2। तो यहाँ पे 3 और 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। यहाँ पे 3 माइक्रोफेरेड और यहाँ पे 6 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, यहाँ पे देखिए और फिर यहाँ पे 6 माइक्रोफेरेड और दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएगा, दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएगा। अब श्रेणी क्रम में निकालने के लिए 1 अपॉन C तुल्य बराबर 1 अपॉन C1 + 1 अपॉन C2 से निकालेंगे, 1 अपॉन 3 + 1 अपॉन 6 करेंगे। तो यहाँ पे आपका इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए सेकेंड में दिया है 2 माइक्रोफेरेड। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या हो जाएगा, बतलाइए। सबसे पहले कि यहाँ पे देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर यहाँ पर होता है R A अपॉन L होता है। यहाँ पर R को यहाँ पे रखेंगे, R बराबर यहाँ पे रखेंगे ओम, प्रतिरोध होता है इसलिए ओम यहाँ पे हो जाएगा, और A फॉर एरिया, यहाँ क्षेत्रफल हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ओम गुना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बटा में लेंथ है यहाँ पे मीटर, यहाँ पे 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे ओम मीटर। ओम मीटर देखिए कौन सा ऑप्शन पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर देखिए D पे ओम मीटर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट हो जाएगा, ओम मीटर। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है जिसकी दिशा होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस तरह होता है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, धन से ऋण आवेश की ओर या फिर ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, क्या होता है जल्दी से बतलाइए कमेंट करके। इसका जो दिशा होता है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है, यानी निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पे आपको कमेंट में बतलाना है एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, ये आपको कमेंट में बतलाना है एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके बाद एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पे कूलामों की संख्या बतलाना है कमेंट में। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, V × R V² R V² / R या फिर V² RI, क्या होता है। यहाँ पे देखिए शक्ति P बराबर होता है VI, P बराबर VI और एक होता है I² R V² / R या फिर W/T। यहाँ पे देखिए इस चार में से कोई मिलता जुलता है, यहाँ पे देखिए V² / R, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर C पे दिया हुआ है V² / R हो जाएगा, यह राइट आंसर हो जाएगा V² / R। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है परम शून्य ताप पर, यहाँ पे देखिए परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है, परम शून्य ताप पर कैसा व्यवहार करता है बतलाइए, सुचालक की तरह, पूर्ण कुचालक की तरह, अर्धचालक की तरह या फिर अति चालक की तरह, मतलब ये कैसा व्यवहार करता है।
बिल्कुल सही आप सभी कह रहे हैं, कुचालक की तरह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्ण कुचालक की तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीजगणितीय योग अनंत होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है या फिर ऋणात्मक होता है, बताइए क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा यहाँ पे किरचॉफ के नियम से यहाँ पे शून्य होता है, शून्य हो जाता है इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है, परावैद्युतांक क्या हो सकता है बताइए, -3, 0, 0.7 या फिर 6.0, क्या हो जाएगा बताइए। और अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.0। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, जूल कूलाम, जूल प्रति कूलाम या फिर न्यूटन कूलाम। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है यहाँ पे बल, बल यानी F बटा आवेश, बल बटा आवेश होता है, बल का जो होता है मात्रक वो न्यूटन होता है और आवेश का जो होता है वो कूलाम होता है, यानी न्यूटन बटा कूलाम या फिर न्यूटन पर कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे देखिए दिया हुआ है न्यूटन पर कूलाम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए वोल्ट प्रति मीटर मात्रक होता है, वोल्ट मीटर यूनिवर्स या वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर होता है मात्रक किसका, यहाँ पे बताइए, विद्युत फ्लक्स का, विद्युत विभव का, विद्युत क्षेत्र का या फिर विद्युत धारिता का, किसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर किसका होता है। बिल्कुल सही आप सभी का आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत क्षेत्र का होता है, विद्युत क्षेत्र का होता है वोल्ट प्रति मीटर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है यहाँ पे अभी आपने देखा न्यूटन पर कूलाम और इसका विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों या फिर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में से कोई नहीं, क्या हो जाएगा इसका बतलाइए, गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है जल्दी से बतलाइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों गतिशील आवेश को उत्पन्न करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है एक्स किरणों को, न्यूट्रॉनों को, अल्फा कण को या फिर गामा किरणों को, किसको विक्षेपित कर सकता है, किसको कर सकता है विद्युत क्षेत्र बताइए यहाँ पे। बिल्कुल सही आप सभी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, अल्फा कण को, अल्फा कणों को विक्षेपित कर सकता है, अल्फा कण बिल्कुल सही आ रहा है आप सभी का, अल्फा कण बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, संधारित्र की धारिता निर्भर किस पर नहीं करती है, प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आवेश पर या फिर प्लेटों के बीच अंतराल पर, बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर संधारित्र बराबर पहला नंबर फार्मूला जो होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, अब बताइए किस पर निर्भर नहीं करता है। और जल्दी से इस क्लास को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसका आंसर बताइए। यहाँ पे देखिए जो एफ और यहाँ पे क्षेत्रफल है इसको पर निर्भर करता है, डी जो है वो दूरी होता है, यहाँ पे देखिए प्लेट के आकार पर निर्भर करता है, प्लेट के आकृति पे भी निर्भर करता है और प्लेट के बीच के जो अंतराल है यानी डी फॉर डिस्टेंस है इसको पर भी निर्भर करता है, लेकिन जो प्लेट के बीच आवेश है इस पर निर्भर नहीं करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर।